फ़ोन शोन लेकर दोनों आज जख्मी हो गए मेरे उंगलियां दोनों। तकरीबन मार मैक्सिमम 1200-1300 रुपये का सामान हमारे पास फ्री में आया। असलम एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो नहीं अनदर ब्लॉग। तो बाबा जी आज हम ब्लॉग बनाने लगे हैं वो भी स्पेशल चीज़ों पे। ठीक है, कुछ आपसे बात डिस्कस करनी है और कुछ मोटरसाइकिल एक्सेसरीज और से मुझे कोई पार्सल आया। ठीक है, मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट आया, मिस्ट्री बॉक्स आया, उसको मैंने कल ओपन किया, ठीक हो गया। तो उसमें से बाइक की कुछ एक्सेसरीज आई हैं जिसको मैं मोटरसाइकिल को मॉडिफाई और खूबसूरत बनाने के लिए वो लगा सकते हैं। तो चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। अभी बाइक वॉश करते हैं और थोड़ा सा गंदा हुआ पानी शानी मार के ज़रा कपड़े शपड़े मारते हैं और क्या करते हैं नाश्ता करते हैं पहले, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो साथ ही बेल आइकन का बटन आएगा, उसको लाजमी प्रेस करना ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप डबल एक्स लोग गैंग को ज्वाइन कर सके। तो चलिए नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो बाबा जी अभी बस नाश्ता शाश्ता करके फारग हो गए हैं। ठीक है, कोटा के पराठे खाए हैं, साथ चाय शाय पी है। ठीक है, इतनी गर्मी में चाय पिए देखो पसीने मेरे निकल गए। तो चलिए नीचे चलते हैं, बाइक को वॉश करते हैं और उसको कपड़ा शपड़ा अच्छी तरह मार के लस्टर मार के साफ सुथरा करके लश पश करके उसके बाद इसके ऊपर जो हमारी गिफ्ट आया है लाहौर से उसके हम बाइक के ऊपर चीज़ें लगाते हैं और चेक करते हैं बाइक की खूबसूरत लग रहा है कि नहीं लग रहा, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। फिर उन्होंने कहा कि आप बाइक के ऊपर सारी चीज़ें लगाएं, उसके बाद हमें उसकी वीडियो बना के भेजें, पिक्चर बना के भेजें कि आपको बाइक खूबसूरत लग रही है कि नहीं लग रही। तो चलिए चलते हैं। और बाकी आपका सवाल वो होगा कि ये कहते हैं लाहौर से भाईजान आपको कैसे पार्सल आ गया, ये क्या चीज़ है, क्या मामला है, तो आपको साथ साथ में वीडियो में साथ साथ बताता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, अपने काम पे तवज्जो देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो चलिए नीचे चलते हैं, लाइटें करते हैं ऑफ, अंधेरा हो गया बहुत, इसको करते हैं बंद, पंखा हो गया बंद, वो लाइट रहेगी, लाइट करते हैं बंद, नीचे चलते हैं। चलो जी बाबा जी, बहुत गंद मचा हुआ, ठीक है इस जगह पे बाबा जी बाइक बहुत गंदा हुआ है, चेक करो बस, थोड़ी बहुत इस पर डस्ट आई हुई है, ये देखो जी चेक करो। तो चलिए बाइक को करते हैं वॉश। ये बाबा जी नंबर प्लेट बनवाई थी, बड़ी खूबसूरत नंबर प्लेट है, दूसरी जो है पापा की परी वो यहाँ से उतर गया, टूट गई थी बाइक, एक्सीडेंट हुआ था। तो बाबा जी बाइक को यहाँ पर खड़ा कर दिया और अभी इसको हम धोना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले इसको हल्का का, पहले पानी मारते हैं ताकि इसके ऊपर से मिट्टी सारी उतर जाए, फिर देखते हैं शैम्पू लगाएं कि ना लगाएं, शैम्पू ना लगाएं तो फिर भी काम इसका चल जाएगा। कज़न की गाड़ी दिखाता हूँ, क्या इसने मस्त बैक इसके पेपर लगाया लाइटों पर, ये चेक करो क्या बाबा जी क्या लुक आ रही है। तो इसके भी अभी वर्किंग स्टार्ट हुई हुई है, तैयार करवा रहा है, रिम शिम इसको चौकस से लगे हैं, कल्टा से ठीक हो गया, 2014-15 मॉडल है ये, अपनी गाड़ी खड़ी है हाइब्रिड। तो मोटर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बाबा जी इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने एक बाल्टी पानी की भरनी है, ठीक है, क्योंकि आजकल पानी की बड़ी कमी हुई है तो हम बाल्टी से धोएंगे, वो मोटर मारी नहीं चाहिए क्योंकि बिजली नहीं है, जनरेटर जा रहा है लेकिन हम जनरेटर पर नहीं चलाते। तो एक अदर हमें कपड़ा चाहिए होगा और ये दांत वाली भूषा को पता है ठीक हो गया, ये होगी साथ, ये टायरों को मारने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो साथ ही दो कदर हाथ चाहिए होंगे जिससे हमने अपने बाइक को फुल धो के लश फश कर देने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कोई ऐसी कोई क्या कहते हैं इतनी क्या कहते हैं महंगी चीज़ें कोई प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल सी चीज़ें जो आपके हर घर में मौजूद हैं, तो उससे आपका बाइक बड़ा खूबसूरत धुल सकता है, साफ़ हो सकता है। बाबा जी बाइक चेक हो गया रेडी, साफ सुथरा हो गया और बाबा जी पसीने चेक करो, बड़े पसीने निकल गए। तो ये चेक करो लुक बाइक की, अभी ज़रा कैमरे का सही रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक हो गया, धूप बड़ी तेज़ है, साफ सुथरा हो गया बिल्कुल, चेक करो लश पश कर। तो अभी इसकी कुछ चीज़ें हैं मैं आपको वह भी दिखाता हूँ, ठीक है, बाकी बाइक हो गया रेडी, पंखा करते हैं बंद, पंखा हो गया बंद होंगे, गर्मी बहुत थी, अभी बाइक को ऊपर लेके जाती है, बस फोन में थोड़ी बहुत दर्द हो रही है बाबा जी। ये चीज़ें हैं कुछ, ठीक हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा फुल शापर बराबर में आया। तो ये पैसे थोड़े बहुत ले आए हूँ मैं,
मोटरसाइकिल के लिए मैंने रखे हुए थे 7/10 की चाबी, जो ज़्यादातर 99% बेचों को लगती है जहाँ पे मैंने अभी मॉडिफिकेशन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाबा जी मैंने भी फ्रेश पे चीज़ें रख दी हैं। पहली चीज़ निकालते हैं ये वाली, क्या बात, इसके तकरीबन प्राइस बाज़ार में, लेकिन मुझे सारा ये फ्री मिला है, तो इसकी प्राइस है तकरीबन 350-400 रुपये की होगी, क्योंकि ये जस्टर है। दूसरा सिंपल वाला नहीं, सिंपल वाला 150 रुपये वाला है, ये 350-400 रुपये वाला होगा। तो इसको रखते हैं उधर। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ही खूबसूरत है, ये चेक करो बाबा जी, इसको रखो, ये दिखा, यहाँ पे भी लगेगी ये, यहाँ पे, ठीक है, इसको उतार के ये लगाते हैं, बहुत ही चमैक्सी लगेगा, ठीक है। अच्छा जाली लगी है बीच में, क्योंकि मैंने यहाँ पे मल्टी शेड का बटन इसके अंदर वो बल्ब लगाया हुआ है, तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ठीक है। और बाई ट्रेन डब्बे वाला आ गया। नेक्स्ट चीज़ निकालते हैं, तो हमारे पास से कहा जाती है, ये है मेरा रिबन है, ये रिबन खुलेगा, और ये मेरे ख्याल में मैं यहाँ पर लगाना चाहूँ, और मोटरसाइकिलों को देखा तकरीबन यहाँ लगा होता है, यहाँ पर लगा होता है, तो इसको यहाँ पर भी एडजस्ट करेंगे, ऐसे कुछ खोल शोल के ऐसा लगाएंगे। तो चलिए ये भी रखते हैं इधर। और अगली चीज़ है मेरे पास ये, ये क्या चीज़ है, वही चीज़ ब्रदर, वही चीज़, ये मेरे ख्याल में रेस की है, ये तो तुम्हें लगेगी, चलो होगी, इसको भी लगाते हैं यहाँ पे, इसको रखते हैं इधर, इनको रखते हैं साइड पे। पीछे क्या रह गया मेरे पास, माशाल्लाह, हाँ यार ये ठीक है, बस मेरे पास मूछ लगी थी लेकिन मेरी टूट गई थी एक्सीडेंट के दौरान, तो उसको हम यहाँ लगा सकते हैं, चलो इसको देखते हैं कहाँ लगाते हैं। पीछे रहेगी हमारे पास लास्ट चीज़, जो मुझे तकरीबन 50-70% मुझे अच्छी लगी है, और चल निकला, चल ये चेक करें, क्या बात है यार, लाइट बनी भी है, मौसम भी मज़े का हो गया, धूप कम हो गई, इसको हम लगाते हैं इस जगह पर, लग जाएगी ना, इसको रखते हैं इधर। हमारे पास होगी एक चीज़, ये वाली चीज़, ये शीशा, ये रिबन, ये रेस का, और ये वाला पत्ता, ये तकरीबन वैसे इसकी प्राइस क्या होगी, कॉस्ट ये 350 का लगा ले, 300 का ये लगा लेते हैं, ये लगाते हैं ये 250 रुपये की, ये मेरे ख्याल में 250 रुपये की, 300 इसका भी 300 लगाते हैं, 600, ये मुझे 200 का कोई लगा, 200 नहीं 150, इसको हम लगाते हैं 200, ये मेरे ख्याल में 100 रुपये का होगा, कितना हो गया, 300 300, 600 700 800 900, ये 100 रुपये का होगा 1000, और ये होगा तकरीबन ये कोई 200 रुपये का, या चलो जी बाबा जी इसका तो मुझे रेट नहीं पता, कभी कोई चीज़ ऐसा के ली नहीं मैंने, तकरीबन हमारे मैक्सिमम 1200-1300 रुपये का सामान हमारे पास फ्री में आया। पंखा लगा लेते हैं, गर्मी बहुत हुई हुई है। तो बाबा जी अभी हमने लाइट खोल लिया, ठीक है, इसका हम शीशा उतारते हैं और ये वाला लगाते हैं, तो चलिए दुआ करो बस ये लग जाए। तो हाँ जी बाबा जी, जो आपने देखने हैं दूसरा दिल थाम के रखिए कि चेक करिए मैंने किया क्या है, शीशा उतर ही नहीं रहा था, मैंने ना उसको मारा ना ये आगे से उसका वो उतार के ना इसको मैंने ऐसे कूट करके इसको मारा ना सारा, इसका देखे मुंह चेक करें, अभी मैंने कहा था कि शीशा सही उतर जाता है तो मैं अपने बाइक को तो लगा लूँगा, तो बाकी ये देखिए हाथ पे मार लिया मैंने, फोन शोन निकल, दोनों आज जख्मी हो गए मेरे उंगलियाँ दोनों, तो माशाल्लाह से शीशा मेरे तोड़ फोड़ गया है, यस कर दिया साइडों से, बिल्कुल चौकस कर दिया, ठीक हो गया। अभी हम ये मैंने लगाया हुआ था जो पूछ रहे थे जी आपकी लाइट का क्या है, ये गोली लाइट है, ठीक है, ये लगाया हुआ था मैंने, इसमें दो फंक्शन है, येलो में है और एक वाइट में, तो येलो में इस वजह से लगवाया था क्योंकि रात के टाइम अगर मेरा कोई सफ़र होता था तो पिंडिया साइड इस्लामाबाद साइड तो बड़ी धुंध होती थी, जिसकी वजह से मुझे ये येलो कलर लगवाना था, पेपर की जगह पर मैंने बल्ब ले लिया। दूसरी बात ये कि इसके ऊपर से चुमटा, आप चुमटा देखे होंगे कि पीछे पहले था ब्लैक में, ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं जब वो शीशा लगाया ना तो उसकी मैंने पेपरिंग कराई थी ना, तो यहाँ से इसका कोने ना सारे खाली थे, ठीक है, क्योंकि दूसरा शीशा वो गोल वाला लगा था जिस वजह से सारे कवर और थे, अभी मैंने इसके ऊपर पेपरिंग कराऊंगा आज शाम की करा देता हूँ क्योंकि अजीब सा लगेगा। तो बाबा जी कुछ फ्रंट लुक किस तरह की आ रही है इसकी, ठीक हो गया।
तो बाबा जी मारी होगी लाइट तैयार, ठीक हो गया, चौकस लाइट ये बाबा जी सी शीट खोल ली है, अभी इसको हम उठाते हैं, ठीक है, चेक किया, यहाँ पे लगाते हैं इस जगह पे, ठीक है, ठीक हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया, ऐसे लगेगा ना। और यहाँ पे अभी इसको टाइट क्या करेंगे, हू आर यू, ये कैसे होगा। तो बाबा जी अभी बस कचरा छचरा इकट्ठा करते हैं कूड़ा, ठीक है, डालते हैं सब, बाद में आपको पूरी क्या कहते हैं डिटेल्स आपको बाइक का बताता हूँ, रिव्यू करवाता हूँ, ठीक हो गया। तो बाबा जी मोटरसाइकिल हो गया रेडी, लाइट शर्ट मैंने लगा लिया, ठीक है, नंबर प्लेट बाद में तैयार कराऊंगा, इस पर लगा लूँगा, लेकिन पहले मैंने ये भी लगा लिया, फिक्स कर दिया। तो बाकी अगर आगे आए अपनी ये क्या बात है, फुल फिक्स हुआ है, कोई देखो कुछ भी नहीं है, फुल अटैचमेंट की है मैंने, ठीक हो गया, जुगाड़ शुगाड़ लगा के उंगली शुगली काड़ के। तो बाकी अगर लाइट की बात करें, लाइट भी हम स्विच ऑन करते हैं, ये चेक करेंगे बाबा जी, चौकस मोल हो गया, इसका दूसरा मोड वाइट ऑन हो गया, वो प्यारा लग रहा है। और आगे हैं तो हमारे पास ये कदत, हमने पत्ता छत्ता भी फिक्स कर दिया, बस ठीक लग रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा इस पर। तो बाकी ये भी मेरे से फिक्स नहीं हो रहा था, ये भी देखते हैं कैसे फिक्स करते हैं, ये मेरे ख्याल में यहाँ लगेगा, ये यहाँ लगेगा। तो बाबा जी बाकी चौकस मोल हो गया, बाकी सिनेमैटिक इसकी वीडियो आप देखें। तो बाबा जी उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई है। तो कॉपीराइट क्लेम की वजह से फिर से मैं म्यूज़िक नहीं लगा सकता, कोई बात नहीं, इसी तरह एंजॉय करो और सपोर्ट करो बाइक को। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, डे सारी दुआओं में याद रखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट कर दो। अगर आप ऐसी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे यस करें, कमेंट में यस लिखें, ताकि मैं ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक ला सकूँ। तो बस अगला जो काम है आप मॉडिफाई करेंगे अल्टो 660 सीसी, ठीक है, अपनी गाड़ी को, ठीक है, ज़रा उसकी अल्ट्रेशन करवाते हैं, उसकी मॉडिफाई कराते हैं, उसको रिम चौड़े लगवाते हैं, ठीक है, फिर पिंडी में फेरते हैं उसको। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन लाजमी दबा देना, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप डबल एक्स लोग गैंग को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारी दुआ मुझे याद रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अल्लाह निगहबान।